नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पपीता एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। पपीता को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पपीता को आयुर्वेद में भी एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पपीता एक ऐसा फल है जिसे कच्चा, पक्का, इसके पत्ते आदि का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार के लिए किया जाता है। पपीते को डाइट में शामिल कर आप वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पपीते में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। पपीते के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर सर्दियों में पपीता खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पपीता हर मौसम में आपको आसानी से मिल जाता है। पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। मई सर्दियों में पपीता खाना बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में पपीता आपको कई तरह की बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। सर्दियों में गर्म चीजें खाने से कई बार कब्ज की समस्या हो जाती है। पपीता कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। इससे पेट साफ रहता है। ये आँखों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। मई सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन से ड्राइनेस की समस्या हो जाती है। ऐसे में पपीता शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकता है। वहीं कई लोग सर्दियों में वेट गेन कर लेते हैं, ऐसे में आप पपीता खाकर अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर भी पपीता खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन होता है। इसके सेवन से हृदय से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आप भी सर्दियों में पपीता खाकर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।